हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं पवन गुप्ता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज से हम क्लास 12th की फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। दैट्स नेम इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका पहला यूनिट है और इसके अंतर्गत दो चैप्टर हैं, जिसका हम पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। क्लास 11 पास होकर जो स्टूडेंट्स आए हैं वो अपने क्लास 12th की जर्नी अभी से शुरू कर दें, क्योंकि अगर बाद में सोचेंगे कि हम थोड़ा और समय बीत जाए इसके बाद शुरू करें पढ़ना, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए कोशिश करिए, जो कुछ पढ़िए अपने तरफ से एक नोट्स बना के रखिए और उसको डेली रिवीजन करिए, डेली ध्यान रखिए, तभी आप उस पर कामयाब हो पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें, सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज होते क्या है, तो सिंपल सी परिभाषा अगर कहें, परिभाषा तो सिंपल है, द काज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब जिसके कारण इलेक्ट्रिक फोर्स लगता हो, वैद्युत बल लगता हो, वही होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश जिसे कहते हो। अब इससे तो बस थोड़ा सा अपने दिमाग में आया, इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सी चीज आ गई। इससे पहले जब फिजिक्स पढ़ा क्लास 11th में, उसमें से एक फोर्स के बारे में पढ़ा था, दैट नेम वाज ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम आपने पढ़ा था, उसमें बताया गया था एफ इक्वल टू कैपिटल जी एम ऑन एम टू अपॉन में आर स्क्वायर। अब यहां पर नया फोर्स आ गया जिसका नाम इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इसकी कहानी शुरू हुई आज से 2500 साल पहले की बात हो, यानी कि 2500 ईयर्स एगो। थेल्स का नाम सुना होगा, ग्रीक फिलोसफर। उन्होंने देखा था कि अम्बर नाम का एक सब्सटेंस है, उसको अगर हम ऊल के साथ, यानी ऊन के साथ रगड़ते हैं, तो रगड़ने के बाद क्या देखा जाता है कि वो छोटे छोटे पार्टिकल को, छोटे छोटे कणों को, चाहे वो पीसा पेपर हो, चाहे स्ट्रा हो, चाहे डस्ट हो, उनको वो अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगा। बट 2000 सालों तक तो उनकी बातों को कोई वैल्यू नहीं दी गई। और 1600 ईयर्स एगो, यानी कि अगर हम बात करें, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गिलबर्ट। गिलबर्ट ने देखा कि केवल ये अंबर ही ऐसा सब्सटेंस नहीं है, ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस हैं, चाहे ले लिया जाए प्लास्टिक, ग्लास, ये सारी चीजें भी, जब इनको भी किसी चीज से हम फ्रिक्शन करते हैं, रगड़ते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो एक से भले दो, पहले उनकी बातों को कोई वैल्यू नहीं दी गई, किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन जब ज्यादा लोग कहने लगते हैं एक ही बात को, तो उस पर इम्पोर्टेंस उसकी बढ़ने लगती है। तो अब यहाँ पर जिज्ञासा लोगों के अंदर है, आखिर क्या क्वालिटी है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। आपने देखा होगा कि अगर एक कॉम्ब ले लिया जाए, कंघी ले लिया जाए, और उस कंघी से अगर आप बालों को कॉम्ब करते हो अपने, और इसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़े, पेपर्स के छोटे छोटे पीसेस को ले लिया जाए, नीचे फैला दो, और उसके पास कॉम्ब को लेकर आओगे, तो वो क्या करता है, उससे चिपक जाते हैं। आप पेन भी ले सकते हो, पेन भी प्लास्टिक का जो पेन होता है, अगर आप उसको बालों से रगड़ लो, और इसके बाद क्या करो कि उस पेन को उस पेपर के पास लेकर जाओगे, तो पेपर उससे चिपक जाते हैं। आखिर क्यों चिपक जाते हैं? इससे पहले जब इसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो लोगों की जिज्ञासा सिर्फ एक ही बल के बारे में थी, कि वो गुरुत्वाकर्षण बल है। बट यहां पर कुछ कंडीशन अलग बदल गई। कैसे? अच्छा देखो, और भी कुछ चीजें देख सकते हैं, जैसे कि बोर्ड पे जब लिखा जाता है, या कॉपी पर ही लिखते हो पेन से, तो पेन का इंक जो होता है उस पर चिपक जाता है। बोर्ड पर चॉक से लिखा जाता है, तो चॉक के पार्टिकल उस पर चिपक जाते हैं। चॉक के पार्टिकल पर जो अर्थ है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, उसको अपनी ओर खींच रही है, तो उसको तो नीचे गिरना चाहिए, लेकिन वो बोर्ड पे क्यों चिपक गया? इसका मतलब जब आपने लिखा तो उसके बीच में जो फोर्स डेवलप हुआ वो गुरुत्वाकर्षण बल है ही नहीं, कोई अलग बल आ गया, नया फोर्स आ गया। तो जब नया फोर्स आ गया, तो जब किसी फोर्स के बारे में कोई पहले से जानकारी नहीं थी, तो उसको नया नाम दे दिया गया, दैट नेम वाज इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स है क्या? इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है, एक ऐसा फोर्स है जो चार्जेस के बीच में लगता है, आवेश के बीच में लगता है। आवेश क्या है? जिनके कारण वैद्युत बल लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। तब की बात है जब जो एटॉमिक मॉडल है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है, ये तो बाद में आया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर जो एटम बने होते, वो सब बाद में डिस्कशन हुआ, उससे पहले की बात है ये। ठीक है, तो इस तरह से नया फोर्स
आया सामने जिसका नाम रखा गया क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, अब फ्रिक्शन जब किया गया तो फ्रिक्शन करने से मटेरियल के अंदर एक प्रॉपर्टी आ गई। कौन सी प्रॉपर्टी आ गई? कि वो छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगा। तो अट्रैक्ट करने लगा, ये जो प्रॉपर्टी है इसी प्रॉपर्टी को नाम दिया गया है चार्ज। ठीक है, इसी को क्या नाम दिया गया है? चार्ज। सो व्हेन अ मटेरियल इज रब विद अनदर मटेरियल इट एक्वायर्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग लाइट बॉडीज सच एज पीसेस ऑफ पेपर्स स्ट्रॉ एटसेट्रा एंड एक्वायरिंग दिस प्रॉपर्टी द मटेरियल इज सेड टू बी इलेक्ट्रीफाइड। जिस मटेरियल के अंदर ये प्रॉपर्टी आ जाती है उस मटेरियल को कहते हैं वो इलेक्ट्रीफाइड हो गया। और वह काज, वह कारण जिसके कारण ये प्रॉपर्टी उसके अंदर डेवलप हो गई, उसको कहा गया है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन करने पर इलेक्ट्रिफाइड हुआ तो किसके कारण इलेक्ट्रिफाइड हुआ? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के कारण, यानी द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप ड्यू टू फ्रिक्शन इज नोन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ओके, समझ में आया? तो सिंपल सी बात है, चार्ज का मतलब यही है। चार्ज का मतलब होता है चार्ज कहीं अलग से आता नहीं है। जब किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ फ्रिक्शन किया जाता है, घर्षण किया जाता है, तो घर्षण करने के बाद उसमें ये प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। इसलिए इसको कहते हैं कि चार्ज का एक इनहेरिट प्रॉपर्टी है, पहले से उसके अंदर मौजूद है, कहीं बाहर से नहीं आता। हर मटेरियल के अंदर ये क्वालिटी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, समझ में आया? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी समझ में आया? ओके, अब एक बात याद रखना, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो नोन एज स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहा गया? क्योंकि जो फ्रिक्शन के कारण जो चार्ज डेवलप हुए हैं वो चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर नहीं हो सकते, चल नहीं सकते, कैन नॉट फ्लो। ठीक है, फ्लो नहीं हो सकते, इसीलिए इसको स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी कहा गया। स्टेटिक का मतलब चार्ज एट रेस्ट। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जो फ्रिक्शन के द्वारा जो चार्ज डेवलप होता है वो सिर्फ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में होता है, कंडक्टर्स में ऐसा नहीं होता। उसके पीछे कारण क्या है? जैसे आपने कोई कंडक्टर ले लिया, कोई चालक ले लिया, कोई धातु ले लिया, उसको जब आप फ्रिक्शन करें तो क्या उसके अंदर वो प्रॉपर्टी आई होगी? लेकिन आपने उसको अपने हाथों से तो पकड़ा है। जब आप अपने हाथों से उसको पकड़ के रखोगे तो हमारा जो बॉडी वो भी तो एक कंडक्टर है, और चार्ज कैन फ्लो इन अ कंडक्टर, कंडक्टर में चार्ज फ्लो हो सकता है। तो जब आप उसको पकड़े हैं तो चार्ज क्या जो उसमें आया होगा वो आपके बॉडी से हो करके जमीन में चला गया, अर्थ में चला गया, क्योंकि अर्थ को माना गया सबसे बड़ा कंडक्टर है। चाहे जितना चार्ज उसको दे दो, चाहे जितना उसको उससे चार्ज ले लो, ठीक है। और इसके अलावा अर्थ को जीरो पोटेंशियल भी दिया गया है। तो इस तरह से कंडक्टर में ये चीज हो नहीं पाता है। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जो डेवलप होता है सिर्फ और सिर्फ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में होता है। उम्मीद है थोड़ी थोड़ी बात समझ में आओगी कि चार्ज होता क्या है। ओके, अच्छा, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी हो गए। नाउ बात करें हम कि चार्ज के टाइप्स, कितने टाइप का चार्ज होगा भाई? टाइप्स ऑफ चार्ज। तो चार्ज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कैसे भाई? कुछ इस पर भी डिस्कशन हो। आखिर कैसे मान लिया जाए कि चार्ज दो टाइप के होते हैं? क्या किया जाए? एक प्लास्टिक रॉड ले लिया जाए, एक ना लो दो ले लो, ठीक है, दो प्लास्टिक रॉड और दो ग्लास रॉड ले लिया जाए। समझ में आ रहा? कितने? दो प्लास्टिक रॉड और दो ग्लास रॉड ले लिया जाए। तो इधर ले लेते हैं। अब दोनों को क्या करें, दोनों प्लास्टिक और दोनों ग्लास रॉड को किसी अदर मटेरियल से फ्रिक्शन कर लिया जाए। फ्रिक्शन करने के बाद क्या करें कि एक प्लास्टिक रॉड ले लिया और उसको इस तरह से हमने सस्पेंड करा दिया, ठीक है, इसको हमने फ्रिक्शन कर रखा, तो इसके अंदर चार्ज डेवलप हो गया होगा। अब ये प्लास्टिक है P1, और दूसरा जो प्लास्टिक रॉड था जब इसके पास में लाया गया, ये मान लीजिए दूसरा प्लास्टिक रॉड है P2, जब इसके पास लाया गया तो क्या देखा गया कि ये वाला जो आपने जिसको फ्रीली सस्पेंड करा रखा ये दूर भागने लगा। मीन्स इनके बीच जो फोर्स लगा वो फोर्स हो गया कैसा? रिपल्शन। इसी प्रकार क्या किया जाए कि एक ग्लास रॉड को ले लिए, ये है ग्लास रॉड G1,
और दूसरा ग्लास रॉड फिर था, उसको भी फ्रिक्शन कर रखा है। फिर उसको भी जब इसके पास में लेकर आते हैं ये ग्लास रॉड जी टू, तो भी इनके बीच क्या लगने लगता है? रिपल्सन। ये इतनी कहानी समझ गए। अच्छा, अब क्या किया जाए? फिर से एक प्लास्टिक रॉड को हमने फ्रीली सस्पेंड करा दिया, ये है प्लास्टिक, और एक ग्लास रॉड इसके पास लेकर आए जो कि ऑलरेडी फ्रिक्शन कर चुके हैं जिसका। तब क्या देखा गया कि ये दोनों एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो गए। यहां पर फोर्स लगा कैसा? अट्रैक्शन। इसी प्रकार जब हम एक ग्लास रॉड को भी सस्पेंड कर लेते हैं और उसके बगल में फिर से हम लेकर आते हैं प्लास्टिक रॉड को जो कि ऑलरेडी फ्रिक्शन किए जा चुके हैं, तो वो भी उनके बीच भी क्या लगता है? रिपल्सन लग, सॉरी अट्रैक्शन लगता है। क्या पता चल रहा कि जब प्लास्टिक प्लास्टिक रॉड है तो रिपल्सन, ग्लास ग्लास रॉड है तो रिपल्सन, लेकिन एक प्लास्टिक है और एक ग्लास है तो इनके बीच क्या लगता है? अट्रैक्शन लगता है। अब यहां पर यहीं से क्लियर हुआ था कि ये जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ एक प्रकार का था, वो था कैसा? अट्रैक्टिव फोर्स था, सिर्फ आकर्षण बल। यहां पर जो बल लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है, वो टू टाइप के हो गए, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। अच्छा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका काज क्या था? किसके कारण गुरुत्वाकर्षण बल आता था? मास के कारण आता था, द्रव्यमान के कारण आता था, और मास ओनली वन टाइप का होता है, दैट्स व्हाई फोर्स ड्यू टू मास यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ एक टाइप का होता, वो कैसा होता? अट्रैक्शन। बट यहां पर क्या देखने को मिला? ये फोर्स दो टाइप का हो गया, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, मीन्स जिसके कारण ये फोर्स डेवलप हुआ वो भी दो टाइप का होगा। समझ में आ रहा है? दो टाइप का, यानी किसके कारण ये फोर्स डेवलप हुआ? वो चार्जेस के कारण डेवलप हुआ है। इसका मतलब ये जो फोर्स होगा वो यानी ये जो चार्ज होगा ये भी कितने टाइप का होगा? दो टाइप का होगा। तो टाइप्स ऑफ चार्जेस की बात करें तो इसके कितने टाइप्स हैं? इसके दो टाइप्स हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। यहां चार्ज के कितने टाइप हैं? दो टाइप। ओके, समझ में आया? उम्मीद है यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे की कहानी क्या है भाई? चार्ज दो टाइप के होते हैं, अब इनका कुछ नाम भी दिया जाए दो टाइप के हैं तो ये नाम देने वाले थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या देखा? नाम तो सुना होगा, बड़ा फेमस नाम है। इन्होंने देखा कि जब डिफरेंट टाइप के मटेरियल को लिया गया है, यानी डिफरेंट टाइप के चार्जेस को लिया गया है और उनको एक दूसरे से संपर्क कराते हैं, टच कराते हैं, और अगर उनके अमाउंट इक्वल है तो वो क्या होते हैं कि एक दूसरे को कैंसिल करके नेट चार्ज जीरो बना देता है। ओके, और अगर सेम टाइप के हैं तो चार्जेस क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। समझ में आया? जिस प्रकार पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को ले लिया जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर अगर इक्वल अमाउंट में है, जैसे प्लस टू है माइनस टू है, दोनों को सम करोगे, दोनों को प्लस करोगे तो आंसर क्या मिलेगा? जीरो। तो उसी प्रकार चार्जेस जो अपोजिट टाइप के हैं, अगर उनका अमाउंट सेम है, सेम अमाउंट में चार्जेस हैं, तो वो भी एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, जीरो चार्ज बना देते हैं, न्यूट्रल जिसे कहते हैं। तो इसी तरह से आप जब नंबर जैसे प्लस माइनस हो सकते हैं, उसी प्रकार चार्जेस को भी नाम दे दिया गया। ये भी दो प्रकार के होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। समझ में आया? तो चार्ज दो टाइप के होते हैं और ये बताने वाले थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने नाम दिया, एक को नाम दिया क्या? पॉजिटिव चार्ज और दूसरे को नाम दिया नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अच्छा, चार्ज को डिनोट किया जाता है क्यू से और इसकी यूनिट होती है कूलम। याद रखिएगा, जो चार्ज होता है उसको क्यू से डिनोट करते हैं। नोट, चार्ज इज डिनोटेड बाई
क्यू, इट में भी कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अगर यूनिट की बात करें तो जो इसकी यूनिट है एसआई यूनिट, आप चार्ज कूलाम के नाम से है, वो होता है कूलाम, ठीक है। और याद रखिएगा ये डिफाइंड किया गया इलेक्ट्रिक करंट, आपने क्लास 10th में जो पढ़ा था उसके अनुसार। देखो आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता था आई इक्वल टू होता था चार्ज बाई टाइम, याद है। तो यहां से क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू टी, आई इलेक्ट्रिक करंट है, टी टाइम है। तो यहां से आप इसका यूनिट ये भी निकाल सकते हो, आई फॉर एम्पियर, टी फॉर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड भी होता है, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा कि यूनिट ऑफ चार्ज होता है वो एम्पियर सेकेंड भी होता है। अगर आपसे पूछा जाए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशन बताइए अगर पूछे, तो चार्ज का जो डायमेंशन होगा, देखो ए एम्पियर है, एम्पियर को तो कैपिटल ए से लिखते हैं, और सेकेंड जो है ये टी होता है, ए टी। सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज इज ए टी, याद रहेगा। ओके आगे बात करें, जब इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी डेवलप हुई तब क्या हुआ, ठीक है। यहां पर अब बात करें हम इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ चार्ज, या इलेक्ट्रिफिकेशन की बात कर ले। इलेक्ट्रॉन थ्योरी जब देखो एटॉमिक मॉडल डेवलप हुआ, तो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मॉडल क्या होता है कि प्रत्येक एटम जो होता है, एवरी एटम इज मेड ऑफ थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स नोन एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों ओर परिक्रमा करता रहता, घूमता रहता है, ठीक है। जैसे ये हो गया नाभिक, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डिफरेंट ऑर्बिट्स में इसके चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं, ठीक है। ये तो आपको याद होगा, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स परिक्रमा करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मॉडल। नाउ जब आप फ्रिक्शन करते हो तो क्या होता है, अच्छा एक बात और याद रखना होगा कि जो एटम होता है, एटम एज होल, पूरा जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब नो चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। अच्छा याद रखना होगा कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जो ये परिक्रमा कर रहे हैं, ये कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज। और जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन कैसा होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके अलावा न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन जो होता है इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। और एटम जो होता है वो पूरा एटम न्यूट्रल होता है, इसका मतलब होता है इसमें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, और ये इक्वल टू एटॉमिक नंबर होता है, ये भी याद होगा आपको, जेड इक्वल टू, जिसे जेड से लिखते थे। अब अगर देखा जाए तो प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है जिस पर चार्ज है, और न्यूट्रॉन कहाँ है, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता। अब जब फ्रिक्शन करते हो तो मूवेबल कौन है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मूव कर जाए तो मूव करने का मतलब या तो एक मटेरियल का इलेक्ट्रॉन दूसरे में चला जाए, या दूसरे का इलेक्ट्रॉन पहले में चला जाए। अगर कुछ ऐसा हो सके तो उस केस में क्या होगा, नेट चार्ज जीरो तो रहने ही जाएगा, चार्ज में कमी हो जाएगी, ठीक है, एक टाइप का चार्ज कम हो जाएगा। तो अगर किसी मटेरियल से मान लीजिए कि उसमें दो प्रोटॉन है तो दो न्यूट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो इस तरह से कितना चार्ज देता है, जीरो चार्ज देता है।
अब क्या करें हम, फ्रिक्शन करके इसमें से कहें कि एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इस पर तो क्या बचेंगे, सिर्फ दो प्रोटॉन बचेंगे और एक इलेक्ट्रॉन बचेंगे। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में डिसबैलेंस आ गया, कौन अधिक हो गए, प्रोटॉन अधिक हो गए, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड। समझ में आया, यानी कि किसी मटेरियल से अगर इलेक्ट्रॉन इसी तरीके से निकाल दिए जाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट कैसा हो जाता, पॉजिटिवली चार्ज्ड। और अगर कुछ ऐसा हो जाए कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाए, अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया, तो इलेक्ट्रॉन आने के बाद क्या बनेगा, ये दो प्रोटॉन बनेंगे और साथ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तीन हो जाएगी। अब कौन ज्यादा हो गया, नेगेटिव ज्यादा हो गया, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा निगेटिवली चार्ज्ड। कैसा हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज्ड। मतलब क्या पता चल रहा है कि अगर हम किसी मटेरियल से या किसी पदार्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो वो ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड, और अगर उस पर कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाएंगे तो वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड। समझ में आया, तो चार्ज प्रोड्यूस करने का सीधा सा मतलब क्या हुआ मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग यही हुआ कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट से या तो कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दें या उस पर कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ले आए, कहीं से आ जाए, तो फिर वो ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। अगर उससे इलेक्ट्रॉनों में कमी होती है तो ऑब्जेक्ट कैसा हो जाता, पॉजिटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉनों में अगर वृद्धि हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, तो उस केस में वो कैसा हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज। समझ में आया, इससे ये पता चला, क्या पता चला, इफ समहाउ सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मटेरियल इज रिमूव्ड और सम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड, देन द मटेरियल इज सेड टू हैव एक्वायर्ड चार्ज। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाते हैं, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव और लॉस्ट, मटेरियल बिकम्स पॉजिटिव चार्ज एंड इफ इलेक्ट्रॉन्स आर गेन देन इट विल बिकम नेगेटिव चार्ज। आई होप समझ गए होंगे। नाउ आगे की बात करें, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी चार्ज की, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो चार्ज की प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने पहले ही देखा कि जब सेम टाइप का मटेरियल था, जैसे प्लास्टिक प्लास्टिक रॉड थे तो उनके बीच रिपल्सन लग रहा था, ग्लास ग्लास रॉड थे तो उनके बीच रिपल्सन, लेकिन जब एक प्लास्टिक और एक ग्लास रॉड लिया जाता है तो उनके बीच अट्रैक्शन लगता है। इससे ये पता चलता है कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो रिपल करते हैं, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर।
मतलब अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज ले लें Q1 और दूसरा पॉजिटिव चार्ज ले लें Q2, ये यहाँ पर ऐसे सिचुएटेड हैं, तो इनके बीच जो फोर्स लगने वाला है वो फोर्स कैसा होगा? रिपल्सन का लगेगा इस तरह से। अगर हम क्या करें, एक पॉजिटिव चार्ज ले लें और दूसरा नेगेटिव चार्ज ले लें, उस केस में इनके बीच कैसा लगेगा फोर्स? तो वो लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, अगर हम क्या करें कि दोनों के दोनों नेगेटिव चार्ज ले लें और फिर इनके बीच फोर्स देखें, तो ये भी कैसा करेंगे, इनके बीच कैसा लगेगा? रिपल्सन। समझ में आया? सेम चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर रहा है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। समझ में आया? इससे ये भी कंफर्म होता है कि चार्जेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। अट्रैक्शन रिपल्सन का फोर्स बताता है कि चार्जेस टू टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ओके, अच्छा, यहाँ पर बेंजामिन का एक एक्सपेरिमेंट मैं डिस्कस करना चाहूंगा, की काइट एक्सपेरिमेंट। क्या देखा गया कि जब सेम अपोजिट चार्जर ले लिया जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, और एक दूसरे से मिलाया जाता है, तो वो क्या होते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं। डिस्चार्ज जो होते हैं वो उस स्पार्क करते हैं। डिस्चार्ज होने का क्या हमें पता चलता है कि वो स्पार्क कर, जैसे आप बैटरी ले ले, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल दोनों को अगर आप एक दूसरे से टच कराते हो तो क्या होता है, स्पार्किंग होती है। स्पार्क होने का ये मीनिंग है कि वो डिस्चार्ज हो रहे हैं, यानी न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, न्यूट्रल होना चाहते हैं। समझ में आ रहा? तो जब बारिश होती है तो बिजली चमकती है, लाइटनिंग होती है, तो ये जो लाइटनिंग है ये इसके पीछे भी यही कारण है, इन्होंने बताया था। इसके लिए उन्होंने एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम है की काइट एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया, एक काइट लिया और लंबा सा थ्रेड लिया, धागा लिया, और इतना लंबा था कि उसको वहां बादलों तक पहुंचा सके, क्लाउड्स तक पहुंचा सके। उसको क्लाउड्स तक भेजा पतंग को, और सोचा कि जब यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मिलते हैं तो उस केस में क्या होता है, स्पार्किंग होती है, और स्पार्किंग होने पर अगर उसको आप टच करेंगे तो झटका भी महसूस होता है थोड़ा सा, तो वही झटका इन्होंने सोचा कि महसूस होगा, बट लाइटनिंग हुई बट कोई फर्क नहीं पड़ा इनको। फिर इन्होंने सोचा कि हो सकता है कि मेटल में चार्जेस फ्लो होते हैं आसानी से, तो उन्होंने क्या किया, उसके साथ एक की बांध दिया, कुंजी बांध दिया। तो जब फिर से जब काइट को वहां तक भेजा, क्लाउड तक, फिर स्पार्किंग हुई, तो भी इनको कुछ पता नहीं चला। सडनली क्या हुआ, बारिश हो गई, बारिश होने से थ्रेड गीला हो गया, जब गीला हो गया तो उस केस में क्या हुआ, जब फिर लाइटनिंग हुई तो फिर इनको झटका महसूस हुआ, और वो बहुत खुश हुए। पहले व्यक्ति थे जिनको बिजली का झटका लगा, तो वो बड़े खुश हुए, ठीक है, क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया था। समझ में आया? अच्छा, तो इसकी पहली प्रॉपर्टी तो हम लोगों ने देखा कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, दूसरी बात, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड मींस चार्ज इज ऑलवेज फाउंड एज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल मीन्स स्मॉल है, सबसे छोटा, फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज मतलब स्मॉलेस्ट चार्ज होता है, और सबसे कम चार्ज वही किसका होगा, स्मॉलेस्ट चार्ज, दैट वह सबसे छोटा चार्ज दैट कैन बी ट्रांसफर्ड, जिसे ट्रांसफर किया जा सकता हो, वो किसका चार्ज होगा, दैट विल बी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जब आप फ्रिक्शन करोगे या कुछ भी करोगे, तो जब तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, तब
तब तक ऑब्जेक्ट पर, बॉडी पर चार्ज नहीं डेवलप होगा। तो चार्ज डेवलप होगा कब? जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। इसका मतलब सबसे कम चार्ज किसका हो सकता है? इलेक्ट्रॉन का। सो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल चार्ज और स्मॉलेस्ट चार्ज। ओके, और हमेशा जब भी होगा तो क्या होगा, अगर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होगा तो एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, दो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कभी इलेक्ट्रॉन टूट नहीं सकता, नहीं कि तोड़ के एक आधा इसमें रह गया आधा उसमें चला गया, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि उसको डिवाइड, हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए इसको फंडामेंटल पार्टिकल भी कहा गया है। तो जब इलेक्ट्रॉन को हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसका मतलब सबसे छोटा चार्ज किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। और किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल यानी पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाएगा। मीन्स क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस एन ई। ओके, चार्ज में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहां पर एन क्या है? एन कोई भी इंटीजर हो सकता है, एन हो सकता है आपके पास 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इंटीजर है। समझ में आया? अगर न्यूट्रल है तो जीरो चार्ज हो जाएगा। इस तरह से इसको कहते हैं चार्जेस क्वांटाइज, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का सीधा सा मतलब है सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज के मल्टीपल के रूप में, यानी इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में पाया जाएगा। यहां पर जो ई है ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू माइनस का 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। याद रखिएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय माइनस लिखना नहीं जरूरी है, माइनस तो उसकी सिर्फ एक प्रकृति बताता, नेचर बताता। हम न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करेंगे 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अगर आपसे पूछे चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, नोट के रूप में याद रखिए, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन इज नथिंग बट हाइड्रोजन न्यूक्लियस होता है। हाइड्रोजन एटम जो होता है उससे अगर उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन को निकाल दो तो बचा क्या? हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। तो जो प्रोटॉन होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये हाइड्रोजन न्यूक्लियस होता है, हाइड्रोजन नाभिक। और ये होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही होता, बस केवल प्लस चार्ज होता है। ये भी याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जो होता है सबसे हल्का पार्टिकल है, जिसका मास होता है 9.11 × 10⁻³¹ kg। ओके, तो इसी प्रकार आपसे पूछ ले कि बताओ चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस। ये क्या है? हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन होते, दो इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व निकाल दोगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएंगे तो हीलियम में बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ उसका न्यूक्लियस, नाभिक, दैट इज नोन एज अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो हीलियम न्यूक्लियस जो होता है इसी को अल्फा पार्टिकल कहते हैं, और इस पर जो चार्ज होता है वो प्लस 2e होता है। कितना होता है? प्लस का 2e, यानी कि आप कह सकते हो प्लस 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम। ये होता है चार्ज अल्फा पार्टिकल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हीलियम, हीलियम से क्या निकाल दो इलेक्ट्रॉन, तो जो बचेगा दैट विल बी अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल को आप ये भी लिखते हैं Hg2+। ठीक है, तो ये थी दूसरी प्रॉपर्टी चार्ज की। नाउ तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें, चार्ज की तीसरी प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब चार्ज को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये कंजर्वेशन, आपने कंजर्वेशन लॉज पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो चेंज ना हो वही कंजर्व होता है। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है चार्ज ना क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड, चार्ज को ना उत्पन्न कर सकते हो ना नष्ट कर सकते हो, इसी को बोलते हैं कि चार्ज इज कंजर्व। हमेशा ये रूल हमेशा फॉलो होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, एक चीज और, कर क्या सकते हैं चार्ज के साथ भाई? ना बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं, तो कर क्या सकते हैं? सिर्फ एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है,
याद रखिएगा, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू एनदर, एनदर, ठीक है, यह भी याद रखिएगा। तो इस तरह से ये थी चार्जेस की प्रॉपर्टी। अच्छा, एक चीज और है, क्या कोई अन्य मेथड भी है, फ्रिक्शन के अलावा भी कोई मेथड है जिससे हम चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो बिल्कुल है। अगर हम बात करें मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग, मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग चार्ज, चार्ज को प्रोड्यूस करने के क्या तरीके हो सकते हैं? तो एक तो आपने पहले ही पढ़ा, फ्रिक्शनल यानी फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ याद रखिए कि किस पर होता है, ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल पर ही होता है, अचालकों पर ध्यान रखना है, नॉन कंडक्टिंग में सिर्फ। दूसरा जो फेमस मेथड है वो है कंडक्शन, कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन का मतलब होता है अगर आप क्या करें, कोई एक चार्ज मटेरियल ले लें, एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट विच इज चार्ज्ड, ये चार्ज्ड है, और दूसरा ऑब्जेक्ट ले लें जो इससे संपर्क करा दिया जाए इसका, इस चार्ज ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, इसके साथ संपर्क करा दिया, तो संपर्क कराने से क्या होगा, इस पर जीरो चार्ज था, इस पर पॉजिटिव चार्ज था, तो जब भी दो चार्ज आपस में चार्ज बॉडीज मिलेंगे, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट मिलाए जाएंगे, तो हमेशा क्या चाहेंगे कि वो जितना एक पर चार्ज है उतना दूसरे पर रहे, तो इस वजह से चार्ज क्या होता है, जिस पर चार्ज अधिक है उससे कम चार्ज वाले की तरफ चलना शुरू कर देता, कब तक, जब तक दोनों पर बराबर ना हो जाए, तो इस तरह से इस ऑब्जेक्ट पर भी क्या हो जाएगा, चार्ज डेवलप हो जाएगा, समझ में आ रहा है। फिर दोनों को अलग अलग कर दीजिए, दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे, चार्ज इस तरह से कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये लो भाई, दोनों पर चार्ज डेवलप हो गया, सेम चार्ज डेवलप होता है कंडक्शन में, याद रहेगा, अगर एक चार्ज बॉडी है उसके कॉन्टेक्ट में हम दूसरा चार्ज, दूसरा कंडक्टर ला कर रख दें, तो चार्ज क्या होता है, दूसरे ऑब्जेक्ट पर आ जाता है, इस मेथड को कहते हैं कंडक्शन मेथड। ओके, एक तीसरा तरीका भी है जिसको कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन, और इसमें जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, इंड्यूस्ड होता है, इसको क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज, प्रेरित जिसे कहते हो, ठीक है, तो प्रेरण के द्वारा यानी इंडक्शन के द्वारा कैसे होता है भाई चार्जिंग, अगर हम क्या करें, एक चार्ज ऑब्जेक्ट ले ले कोई, मान लीजिए कि ये एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, इस तरह से, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकता है, इसके बगल में, इसके पास में हम क्या करें, एक दूसरा ऑब्जेक्ट ले लिए जो कि न्यूट्रल है, कोई चार्ज उस पर नहीं, अब क्या कर, जैसे इसके पास रखोगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे के सारे इधर आ जाएंगे ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को रिपल भी करता है, और रिपल करने का क्या मतलब, इधर जो होगा ये प्लस चार्ज बढ़ जाएंगे, समझ में, एक तरफ नेगेटिव चार्ज और एक तरफ हो गए पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करें हम, इधर वाला पार्ट इसको हम अपने फिंगर से टच कर लें, ओके, इधर क्या करें, इस पार्ट को हम अपने फिंगर से टच कर लें, या फिर कहते हैं कि इसको ग्राउंडिंग कर दें, इसको अर्थ से कनेक्ट कर दें, अर्थ से कनेक्ट करने का मतलब टच करोगे आप तो कनेक्ट हो ही अर्थ से, तो कनेक्ट हो जाएगा, तो उस तरह से अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जितनी यहां पर रिक्वायरमेंट होगी पॉजिटिव चार्ज को, जिससे कि ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ओके, इसको हमने क्या कर दिया, इधर ग्राउंडिंग कर दिया, ठीक है। अब ऐसा करने के बाद फिर क्या करें, इसको हटा दें, ओके, ध्यान रखिएगा, इसको आपने टच कराया और टच किया हुआ उससे पहले अगर इसको आपने हटा दिया तो उस केस में इस पर चार्ज नहीं आ पाएगा, ओके, क्या करना है, एक बार आप टच कराएं, इसके बाद इसको फिर सेपरेट कर दें, अलग कर दें, इसके बाद इस ऑब्जेक्ट को आप जब यहां से ये अर्थिंग खत्म कर दोगे ना इसकी, इसके बाद
अर्थिंग जब खत्म हो जाएगी, इसके बाद आपको क्या करना है, इसको हटा देना है चार्ज ऑब्जेक्ट को। जब अब हटाओगे तब इस पर कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, जो कि इंड्यूस चार्ज के नाम से जाना जाता है। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है कि जो चार्ज डेवलप होता है वो अपोजिट होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। समझ में आए? ओके, अगर आप ये कह रहे हैं कि जैसे ये इसके संपर्क में था और आपने यहां पर इसको टच कर लिया एक दूसरे साइड पर, और जैसे ये टच किया, इसके बाद टच किए हुए हैं, उससे पहले इसको हटा दिया, तो इस पर फिर से अगेन जीरो चार्ज बन जाएगा। ओके, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, इंडक्शन में तभी चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हो जब आप क्या करोगे, पहले इसको टच करोगे, इसके बाद हटा लोगे अपने फिंगर को, फिर इस चार्ज बॉडी को हटाओगे, तब जाके इस पर चार्ज डेवलप होगा। ये था चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो उम्मीद है आपको मेथड ऑफ चार्जिंग भी समझ में आ गया होगा, और आगे अब हमारा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो शुरू होगा उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे, दैट इज नोन एज कूलम्स लॉ। ओके।